हेलो एवरीवन, ये वीडियो है बेसिकली एक मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी किसी कंट्री में पढ़ रहे हैं, जैसे सिंगापुर या फिर थाईलैंड या फिर फिजी या फिर मॉरिशियस, साइप्रस, जॉर्जिया, किसी भी कंट्री में पढ़ रहे हो आप और आपको हेल्प की ज़रूरत है आगे माइग्रेट होने के लिए या फिर आगे फर्दर किसी और कंट्री में पढ़ने जाने के लिए, और यू आर लैकिंग सम गाइडेंस, सम प्रॉपर रियल गाइडेंस। आपको भेजा गया था कि आप यहाँ पर 1 ईयर करो और उसके बाद आपको वहाँ हो जाएगा, ये होगा, और आपके साथ ये सब अभी नहीं हुआ। तो उसी के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस सर्विस, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स बाकी जगह हैं, किस बाकी कंट्रीज़ में हैं और आगे माइग्रेट होना चाहते हैं और उनको पता नहीं है, उनके अपनी प्रोफाइल के बारे में नहीं पता, और बेसिकली कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं और आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आप डर रहे हो कि यार पता नहीं क्या हो गया, अब क्या होगा क्या होगा। तो उनके लिए तो प्लीज़ नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी गिवन है, आप प्लीज़ अपना जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी प्रोफाइल है, आप प्लीज़ नीचे गिवन ईमेल और व्हाट्सएप पर उनसे हमसे कांटेक्ट कीजिए एंड वी विल डू द बेस्ट वी कैन टू हेल्प यू माइग्रेट। ओके, और एक मैसेज और, जैसे मोस्टली स्टूडेंट जो माइग्रेट हुए हैं उनको कहा गया था सर आप 1 ईयर या फिर 2 ईयर यहाँ पर करो, आप फर्दर ऑन मूव हो सकते हो। देखिए हर एक प्रोफाइल डिफरेंट है, हर एक प्रोफाइल डिफरेंट है, हर एक पर्सन डिफरेंट है, हर एक की पास जो स्टडीज है वो डिफरेंट है, वो जो अब कर रहा है वो डिफरेंट है। ओके, तो हर एक बच्चे के लिए 1 ईयर स्टडी या फिर 1 ईयर स्टडी इनफ नहीं होती, ठीक है ना। हर एक प्रोफाइल को अलग से जज करना पड़ता है, इसलिए ये नहीं है कि आपको एक बेसिक जो बता दूंगा तो वही आपको, अगर आप बेसिक आइडियाज आपने वीडियो में, अगर मैंने मेरी पहले देखी है तो 1 ईयर मैंने कहा हुआ है, बट जब एक्चुअल में माइग्रेशन होती है जहाँ पर आप आगे पढ़ने जाते हो तो हर एक बच्चे की प्रोफाइल मैटर करती है, आपके नंबर मैटर करते हैं। जैसे अगर मैं ओपनली आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए आपका 2 ईयर्स का गैप था और आपका आपने आप कैनेडा का अप्लाई किया या फिर ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया, आपका नहीं लगा, आपकी कम परसेंटेज थी या फिर आपकी बैकलॉग ज़्यादा थी या कुछ भी थी, और फिर आप फर्दर ऑन किसी कंट्री में पढ़ते हो और आप अच्छा परफॉर्म करते हो, है ना, तो आप आगे वापस कनाडा जाना चाहते हो, तो बहुत अच्छे चांसेस है अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया और आपके आईएलटीएस रिक्वायरमेंट अप टू डेट है टू द एसपीपी गाइडलाइंस आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका गैप ज़्यादा है, ठीक है ना, फिर आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 1 ईयर 2 ईयर अगर आपकी डिग्री में गए, मोस्टली जैसे साइप्रस में बच्चे वो डिग्री प्रोग्राम में ही जाते हैं तो आपका 3 ईयर की डिग्री करके फिर हो पाएगा आप। ओके, और मान लीजिए आपकी प्रोफाइल मेडिकल बैकग्राउंड से या नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से थी, आप आगे जाके होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, टोटली स्ट्रीम चेंज हो गई, है ना, तो उसके लिए भी आपको जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे मान लिया हॉस्पिटलिटी लाइन में, तो आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स करें, क्योंकि देखें आपको आपने कोर्स टोटली फील्ड चेंज की है ना, तो आपको वो फील्ड बेहतर करनी पड़ेगी ताकि पर जब आपने आगे अप्लाई किया ना उसमें आप जस्टिफाई कर सकें कि वट दिस वॉज अ फील्ड आई वॉज मच इंटरेस्टेड इन एंड मेरे जो मार्क्स है वो जस्टिफाई कर रहे हैं मेरा इंटरेस्ट, और मैंने जो 2 ईयर्स का यहाँ पर लाइक किए हैं और यहाँ पर 1 ईयर में हो जाता है। बट बेसिकली द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इज कि आपके जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जितना अच्छे आप परफॉर्म करोगे, जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे, जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे, आपकी अटेंडेंस, आपकी ओवरऑल प्रोफाइल जो आपने अब की है वो ओवरशैडो कर सकती है आपके प्रीवियस गैप को, प्रीवियस बैकलॉग्स को, प्रीवियस कम मार्क्स को, बट जितनी अच्छी होंगी। तो मान लीजिए अगर आपने वहाँ पर ये किया बट आप एवरेज थे, ठीक है, फिर आप कहते हो कि हाँ मगर हो जाएगा, हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या चांसेस है, जो कम रहेंगे, बट अगर आप जितना आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे, जितना आप अच्छा कर लोगे उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली द होल आइडिया बिहाइंड दिस माइग्रेशन दिस थिंग इज कि आपकी जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है, जितना अच्छा आप कर रहे हो, परफॉर्म करोगे अपने करंट एजुकेशन में, जैसे आप किसी भी कंट्री में हो, चाहे सिंगापुर है, साइप्रस है, थाईलैंड है, या फिजी है, या फिर जॉर्जिया, आई डोंट नो कौन कौन सी है, बट किसी भी कंट्री में हो, ठीक है, और आपकी मजबूरी थी कि आपके मार्क्स कम थे, आपकी बैकलॉग थी, आप जा नहीं पाए, आपका गैप ज़्यादा था, तो आपने पहले पैसे और जगह खराब कर चुके थे, तो दिस वॉज द लास्ट ऑप्शन दैट वॉज लेफ्ट। सो अगर ये ऑप्शन की वजह से आप गए हो यहाँ पर या फिर कोई और रीज़न के कारण और आप आगे पढ़ने जाना चाहते हो, तो आपको उसमें जितना अच्छा परफॉर्म करोगे और जितना अच्छा आप करोगे उतना ही
लाइक आपके चांसेस ज्यादा हैं आगे होने के। और अब तो आई थिंक ये मिथ काफी हद तक कम हो चुकी है कि हाँ भाई माइग्रेशन होता है नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथ एक पर्सनल इंसिडेंस भी होता है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे एक बच्चा था, लाइक 2 दिन बच्चे थे, जिन्होंने एक बार मुझे कॉन्टैक्ट किया कि सर मुझे सर यहाँ पर भेज दिया गया है और यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ सबसे, तो कहते हैं कोई माइग्रेशन नहीं होती ये वो। बट उसी बच्चे को जब मैंने पूरा प्रोसेस समझाया, तो आपको अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने उसको एक्सप्लेन की, और उसके बाद अब तक आई थिंक हर वीक वो बच्चा मुझे एक नया इंसिडेंट यहाँ पे एक नया केस बताता है जो बच्चे वहाँ से आगे माइग्रेट हुए हैं और उनका क्या केस है। हम केस डिस्कस करते हैं बेसिकली, 2-3 बच्चे कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे, लाइक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो एक तो आप प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लीजिए, ठीक है, ये कोई मिथ नहीं है या कोई धोखा नहीं है कहीं नहीं होता जी ये वो करके, कुछ नहीं है, आपका होता है, आप जा सकते हो और आपके जो पहले प्रीवियस गैप थे आप आगे बढ़ना चाहते हो आप पढ़ने जा सकते हो और इट्स 101% पॉसिबल। बस आपकी आपकी जो अब प्रेजेंट हार्डवर्क है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो अब पढ़ रहे हो उसमें आपने जितना ज़्यादा हो सके अच्छा परफॉर्म करना है। और हर एक प्रोफाइल डिफरेंट है, ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता आपको मैंने जो बताया कि यही सब जगह चलेगा, आपको कॉपी पेस्ट कर लीजिए अपनी प्रोफाइल पर, ऐसा भी नहीं होगा। बट आप एक बारी मेरे साथ डिस्कस करके देख लीजिए, अपनी सारी जो भी आपकी प्रोफाइल है पूरा बताइए, अपनी पूरी हिस्ट्री प्लीज, मोस्टली बच्चे अपने पूरी डिटेल नहीं बताते, प्लीज अपने फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड प्रॉपरली बताइए क्या हुआ, अपने क्यों नहीं पढ़ पाए, क्या रीज़न थे, है ना, जो भी था आप फिर अब यहाँ पर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और एक थिंग और थी कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी करते हैं कि नहीं जी मैंने सर करवा दो मैंने नहीं और रहना ये वो करके। देखिए मेरा कुछ करने में कुछ नहीं जा रहा, बट आपके चांसेस भी होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा और कर लो, लाइक पूरा अपना डिप्लोमा कर लो या पूरा कोर्स कर लो, देन एट द एंड ऑफ द डे इट्स फॉर योर ओन गुड, ठीक है, मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, मेरे पास मेरे केस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं रिमाइंडेड होना चाहूँ तो ये भी नहीं है, बेसिकली आपकी प्रोफाइल पर है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑफ द डे, बट आपकी जो हर एक प्रोफाइल की अकॉर्डिंग उसकी जो स्टडी और लाइक प्रोफाइल की इम्प्रूवमेंट होना उतना ज़रूरी है। सो आई थिंक काफ़ी लॉन्ग बन की वीडियो, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग। और आप कोई भी आपकी प्रोफाइल है, आप कहीं से भी हो, यूरोप में हो, कहीं भी हो, और आप आगे कैनेडा, US, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, अगर मोस्टली न्यूजीलैंड में कुछ बच्चे होते हैं जो आगे कैनेडा जाना चाहते हैं, उनको हेल्प चाहिए, तो आप कहीं से भी हो आपको हेल्प चाहिए आगे मूव होने के लिए, एंड प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस और ईमेल अस। टाइमिंग फ्रॉम इंडिया के टाइमिंग है फ्रॉम 11 AM टू 5:30 PM, बट अगर आप इससे लेट हो या कुछ भी हो, अगर फ़ोन नहीं पिक करें, आप एक बार ईमेल कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़ दीजिए, वी विल कॉल यू, ओके। तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन ईमेल अस एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।